हेलो गाइस, राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सब कैसे हैं? उम्मीद रखती हूँ कि आप अपने घर में अच्छे होंगे, ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो गाइस, मैंने कल मेरे दिन में ब्लॉग बन के नहीं आया। आपने देखा होगा कि शाम को ही मेरा एक दो ब्लॉग आया था गाने का, हस्बैंड के साथ में। थोड़ा सा मैं परेशान थी। आप सोचते होंगे कि पूजा ब्लॉग बनाती हैं फिर एक दिन के लिए गायब हो जाती है, तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ, बात ये है गाइस कि मैं एक मेरा मन करता मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन जब इंसान ना चारों तरफ से परेशान हो जाता है ना, फिर उसका मन करता छोड़ना यार, क्यों वीडियो बना रही है, घर में रहना, रोटी खा रही है, कपड़ा पहन रही है, खुश रहना, क्या वीडियो बनाने तेरे को खुशी मिलेगी। फिर मैं मम्मी की तरफ को देखती हूँ, फिर मैं ये सोचती हूँ क्या हम लोग ऐसे ही रहेंगे ज़िंदगी भर। मैं भी एक छोटा सा मकान चाहती हूँ कि मेरा छोटा सा मकान हो, किराए पे कब तक रहूँगी। मैं भी चाहती हूँ अपनी मम्मी को, मैं जब तक मेरी माँ जिए अच्छे से अच्छी से एक ज़िंदगी जिए, अपनी आँखों से जो उसको दिखता नहीं है। अभी ऑपरेशन करवाया खोले का, एक महीने में 2 बार ऑपरेशन हुआ है। मेरी माँ की आँखों की रोशनी जा चुकी है, बहुत कम दिखता है, ठीक है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी मम्मी का अगले साल तक आँखों का ऑपरेशन हो जाए, कुछ हो जाए, बस यही चाहती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहती। जिनके फ़ोन नहीं आते थे, जो मुझे नई घास डालते थे, पूछते भी नहीं थे, उन लोगों को चुन लगी है, चुनी है। अरे यार, ये उसकी लड़की है, वीडियो बना रही है, हो डांस कर रही है, हो पूरा इंडिया देखेगा, बाप रे बाप, इसने तो नाक कटवा दी, इसने ये करवा दिया, ये तो बहुत बदतमीज लड़की है। गाइस हाँ, मुझे ना ये बताना कमेंट में जो भी लिखना, क्या मैं अपने घर में अगर वीडियो बना रही हूँ अच्छे से, तरीके से, तमीज में, तो गाइस क्या गलत है? मैं लड़की हूँ तो मुझे उठने का हक नहीं है, मुझे मेरा हक नहीं है कि मैं उठूं या आसमान छूं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ। मैं लड़की हूँ इसलिए ना, मैं लड़का होती तो कोई कुछ नहीं कहता मुझे, मैं लड़की हूँ तो इसलिए मुझे सब कहते हैं। क्यों कह रहे हो भाई? मैं मर रही हूँ, मेरे घर में कोई मर रहा है, मैं तुम लोगों से नहीं बोलती कुछ, तो तुम्हारे क्यों मेरे को चुन लगती है? उसकी लड़की वीडियो बना रही है, ये कर रही है, तुम्हारी नाक कहाँ से कट गई? मैं नाम नहीं लूँगी सोशल मीडिया पर, नाम लूँगी आई साहब, मुझे जब खुद के घर के सदस्य वीडियो बनाए तब तुम्हारी यहाँ से नहीं कटती, मैंने वीडियो बना लिया तो तुम्हारी यहाँ से कट गई। क्यों? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो क्या मैं कुछ कर नहीं सकती? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मेरा हक नहीं बनता मैं अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जीऊँ? मेरा यह हक बनता है, ठीक है। सरकार ने लड़की का हक दिया है कि लड़की अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जी सकती है। जब मेरा हस्बैंड मुझे नहीं रोकता वीडियो बनाने से, मेरे पापा ने मुझे कभी नहीं रोका, मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं रोका, मेरे सास ससुरों ने मुझे कभी नहीं रोका, तो तुम कौन हो? ज़िंदगी तो मेरी ससुराल से और मेरे आदमी से कटेगी, तुमसे तो ना ही ना मेरी ज़िंदगी कटेगी। मेरा माँ बाप, मेरा बाप चला गया, मेरी बहन चली गई, मेरी माँ मेरे पास से, ख़त्म कहानी। कौन हो भाई तुम? क्यों मेरी ज़िंदगी में दखल दे रहे हो? मैं तुम्हारी ज़िंदगी में दखल नहीं दे रही तो तुम मेरी ज़िंदगी में क्यों दखल दे रहे हो? बस फलाए लाए, ये है वो है, फलाना है ढिमका है, बस खाली दिमाग शैतान का होता है लोगों के पास, उनको कुछ नहीं सूझता, बस किसी ना किसी में कुन जरूर निकालनी है बैठे बैठाए कि भाई आज खाली है, चलो भाई किसी के बारे में कुछ बात करते हैं। लोगों का काम हो गया भोंकने का, मुझे दुख तो होता है गाइस, मेरे दिल पे भी लगती, तो मैं क्या करती हूँ? मैं तकिए में मुंह धोती हूँ, जितना मुझे रोना होता है, जितनी मुझे भड़ास निकालनी होती है ना, मैं सारी भड़ास निकाल देती हूँ, फिर अपने माइंड को रिलैक्स करती हूँ, अपनी माँ को देखते, अपने बच्चों को देखते, अपने हस्बैंड को देखते, यही मेरी दुनिया है, मेरा हस्बैंड, मेरा बच्चा, मेरी माँ, यही मेरी दुनिया है, मुझे और किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं चीज़ में गलत हूँ तो मेरी YouTube फैमिली, आप मुझे बताना, लिखना जरूर कमेंट में कि मैं इस जगह सही हूँ या गलत हूँ। तो सिर्फ मैं आपसे ना हाथ जोड़ के ना यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए,
उन लोगों का मुझे मुंह बंद करना है जिनकी चोच है ना बहुत ज्यादा चल रही है, उन लोगों का मुझे मुंह बंद करना है कि मैं एक लड़की हूँ, मुझे जीने का हक है, मुझे आसमान छूने का हक है, मुझे अपने माँ बाप का नाम रोशन करने का हक है। मैं लड़का नहीं हूँ तो क्या हूँ, लड़की तो हूँ ना, उसी कोख से लड़का जन्म लेता है, उसी कोख से मैंने जन्म लिया है। तो बस गाइस, मैं आपसे बस इतनी सी उम्मीद चाहती हूँ, बाकी मेहनत मेरे हाथ में है, मैं मेहनत आप करूँगी, बस आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। तो अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगे गाइस, तो प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट में ज़रूर लिखना कि इस जगह मैं गलत हूँ या सही हूँ। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, बाय बाय।